बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यारे दोस्तों, आज मैं घुटने के दर्द के लिए वर्जिश की बात कर रहा हूँ कि घुटने का जिनको दर्द हो वो वर्जिश कैसे करेंगे, वो कैसे घुटने को रिलीफ पहुँचाने के लिए वर्जिश करेंगे। तो ये एक तकिया लेते हैं, सिराना लेते हैं, इसको घुटने के दरमियान में ऐसे रखें और दोनों घुटने को प्रेस करें यूँ, फिर इसको दोबारा वो करें, इसको थोड़ी सी देर प्रेस कर करके 3 मिनट, फिर जो है ना हाथ से सिराने को पकड़ लें, घुटने पीछे लगा दें, फिर दोबारा इसको प्रेस करें, फिर इसको सीधा कर दें, फिर इसको ये वर्जिश करने के बाद फिर आपने ये करना है कि ये बड़े वाला सिराना लेना है, ये वाला, इसके ऊपर टांग को यूं रखना है, यूं रख के ये पांव ऊपर उठाना है, यूं दोनों, फिर नीचे, फिर ये दोनों पांव जब ऊपर उठाएंगे तो ये तकरीबन 1 मिनट तक जो है ना 10 सेकंड तक ये ऊपर रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर डाउन करें, फिर 1, दोबारा इसको पिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने 10 दफा करना है, पहले दिन 3 दफा, फिर 5 दफा, फिर आपने 10 दफा करना है। इससे आपकी ये जोड़ के मसल जो है घुटने के, ये हिप स्टैंड जो है ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। आप ये वर्जिश करेंगे तो आपके घुटने के ये वाले हिस्से जबरदस्त होंगे, फिर बैठे हुए आप इसको निकाल लें, फिर आपने अपने पांव के अंगूठियों को पकड़ना है, फिर इनको थोड़ा सा सीधा करके यूं पकड़ के यूं थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे यहाँ से, तो इसको पीछे खींचेंगे, इससे आपके पांव का ये पंजा जो है ये मजबूत होगा। इसी तरह जब बाजू की बात आएगी, शोल्डर के पेन होता है तो आपने शोल्डर को यहाँ से जो है हाथ रखना है, इस शोल्डर को यूं ले जाना है, यूं यूं हुआ एक दफा, फिर यूं, फिर यूं, फिर ये 10 दफा करना है आपने, फिर दूसरे शोल्डर को, चाहे आपका पेन मामूली एक शोल्डर में है लेकिन आपने एक्सरसाइज दोनों शोल्डर की करनी है, तो ये आप इजी सी एक्सरसाइज है घुटने के पेन के लिए और शोल्डर के पेन के लिए, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जो है ना 10-15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चीज बद ऐसा ऐसा होती है, जब प्रॉब्लम आता है वो भी ऐसा ऐसा आपको ये पेन शुरू होते हैं और ये ठीक भी ऐसा ऐसा होते हैं, इसमें जल्दी की बात नहीं, आपको कुछ टाइम ये वर्जिश करना होगी, 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह काफी रिलीफ मिल जाएगा। थैंक्स।